हमारे चैनल पे आज तक हमने करीबन 150 वीडियोस बनाए हैं। एग्जैक्टली तो मैंने गिने नहीं है, हर्षल तूने गिने? हाँ, बट समवेयर बिटवीन 140 to 150 वीडियोस, और आप सबकी वजह से आज हमारे 500,000 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। तो ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज मैं आपको जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ वो हमारा आज तक का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, और फ्रैंकली बोलूँ तो ये गाड़ी जब हम बना रहे थे एक टाइम ऐसा भी आया था जहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि क्या हम ये गाड़ी बना पाएंगे भी या नहीं बना पाएंगे। सो गाड़ी पे बहुत ज़्यादा रस्टिंग इश्यूज थे, और इंटीरियर भी हमने इसका पूरा बनाया है, और आज हमारा ये पहला वीडियो होने वाला है जिस पर हम कंप्लीट इंटीरियर आप लोगों को कैसे होता है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। जिस गाड़ी पर आज हम काम करने वाले हैं वो है 2010 टाटा मांजा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ब्रोटोमोटिव, मैं हूँ आपका होस्ट परीक्षित। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर द ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बुडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो, बुडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. देखिए, इंडियन वेदर कंडीशंस में जो गाड़ी कोस्टल एरियाज में रहती है उन पे रस्टिंग इश्यूज आते ही हैं। अगर आप मुंबई जैसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खारा पानी है तो आपकी गाड़ी कुछ सालों बाद रस्ट हो ही जाती है। और ये गाड़ी हमारे पास आई है कर्नाटक से, और गाड़ी काफ़ी टाइम कोस्टल एरिया के पास रही है। हाई TDS वाटर या ज़्यादा सॉल्ट वाला वाटर जो है वो गाड़ी पर रस्टिंग क्रिएट कर देता है। अब इस गाड़ी में प्रॉब्लम ऐसा था कि हमारे लिए इस गाड़ी के पार्ट्स प्रोक्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। टेल लाइट्स, हेडलाइट्स, बम्पर्स तो आप बहुत ईजिली प्रोक्योर कर सकते हैं, बट एप्रन्स और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वाले जितने पार्ट्स होते हैं उनको प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे पार्ट्स इस गाड़ी के हमने मेटल के थ्रू फैब्रिकेट किए हैं, हमने एक्चुअली पार्ट्स बनाए हैं। जितना मैं कस्टमर के बारे में जानता हूँ, ये गाड़ी उनकी फैमिली की वन ऑफ दी फर्स्ट कार्स थी, इसलिए उस गाड़ी को बनाना चाहते थे। फाइनेंशियली अगर आप सोचेंगे तो इतनी पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करना कोई सेंस नहीं बनता, बट बहुत बार ना हमें गाड़ियों के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होता है। इस बारे में हम पहले भी वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। गाड़ी जब आप बचपन आपका उस गाड़ी में गुजरता है ना, तो आपको उस गाड़ी से बहुत फॉन्ड मेमोरीज होती हैं। आप चाहते हो कि वो गाड़ी जितने टाइम तक हम अपने पास रख सके आप उसको रखें। तो इस गाड़ी को बनाने का भी कुछ यही पॉइंट था। दिक्कत यहाँ आ गई कि गाड़ी पर इतने ज़्यादा रस्टिंग इश्यूज थे और इतना ज़्यादा मेटल सड़ चुका था कि हम लोगों को बहुत टाइम लग गया इस गाड़ी को ठीक ढंग से रेडी करने के लिए। और हमारे साथ पर्सनली ऐसा प्रॉब्लम है कि जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते काम से, हम लोग गाड़ी कस्टमर को देते नहीं है। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब कस्टमर ने बोला कि आप अगर नहीं हो पा रही गाड़ी हमारी ठीक ढंग से, बन नहीं पा रही, तो आप छोड़ दो, जितनी बनी है हम वो गाड़ी कलेक्ट कर लेंगे और कोई बात नहीं। पर मैंने सोचा कि नहीं, अगर हमने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है तो हम लोग को उस प्रोजेक्ट को ठीक से कम्प्लीट करना चाहिए। सिर्फ स्ट्रक्चरल इशूज़ नहीं थे गाड़ी पर, उसके अलावा मैकेनिकल इशूज़ भी बहुत थे। गाड़ी का इंजन जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहा था, जो पिकअप गाड़ी में आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो हमारे हेड मैकेनिक ने गाड़ी के सारे टेक्निकल इश्यूज भी सॉल्व किए। और मेन जब मैं बात करूँ पतरे की, तो एप्रन जो है वो बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ था, तो एप्रन हमने अच्छे तरीके से फैब्रिकेट किया, रिस्टोर किया।
तो जब हमने नया वर्कशॉप बनाया उसके थोड़े टाइम बाद ही ये गाड़ी हमारे पास आई थी, और ये गाड़ी हमारे पास बहुत टाइम रही है। जब भी हम गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले होते थे तो कुछ ना कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आ ही जाता था और हमें वापस से काम करना पड़ता था। मैकेनिकल इश्यूज़ की वजह से भी गाड़ी बहुत टाइम तक हमारे पास रुकी रही, और गाड़ी भी हमने क्योंकि रस्टिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे तो कई जगह पर पेंट बबल्स भी आए, जो कि हमने कुछ टाइम गाड़ी रख के वापस टैकल की और वापस से कुछ एरिया सिलेक्टिव एरियाज रीपेंट करके वो सब इश्यूज सॉल्व किए। एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो ओरिजिनल कलर था वो टाटा का कलर था ऑब्वियसली, बट जिस कलर में आप इसके फाइनल शॉट्स देखेंगे वो किया सेल्टॉस का पर्ल वाइट कलर है। इस गाड़ी को जो मेजर शेप देना था वो हमें बॉडी फिलर में और पुट्टी में देना था, और हमारे पेंटर्स ने बहुत ही उमदा तरीके से काम किया, गाड़ी को शेप बहुत ही अच्छा दिया, क्योंकि मेटल एक टाइम के बाद ना काफ़ी ज़्यादा वेवी हो जाता है, उसमें जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जैसी होनी चाहिए नहीं हो पाती है। ऑब्वियसली आप अगर एक 11 साल पुरानी गाड़ी जो कोस्टल एरियाज़ में रही है उसको कंपेयर करोगे एक नई गाड़ी के साथ तो वो इक्विवेलेंटली मैच नहीं कर पाएगी, बट इट्स स्टिल अ ब्यूटिफुल कार। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कार्स दैट आई हैव सीन जिसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटीरियर जो है ना वो सॉफ्ट टच में दिया हुआ था। डोर पैड्स का भी जो टॉप और सेंट्रल सेक्शन है वो भी जो है वो लेदर में पूरा हुआ हुआ था, और डैशबोर्ड का भी जो टॉप सेक्शन है वो भी लेदर में हुआ हुआ था। इस वीडियो में हम ज़्यादा पेंटिंग पर फोकस नहीं करने वाले हैं, आपने पेंटिंग के तो हमारे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि गाड़ी का इंटीरियर जब हम तैयार करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, और ऑब्वियसली हर गाड़ी का इंटीरियर इस तरीके से नहीं किया जा सकता, बहुत सारे एरियाज़ पे आप लेदर वर्क नहीं कर सकते हैं, पर क्योंकि इस गाड़ी पर ऑप्शन था ये करने का तो हमने सोचा कि जहाँ जहाँ पर लेदर का कॉम्बिनेशन हम कर सकें वहाँ पर हमें करना चाहिए। ओरिजिनली जो इसके इंटीरियर का कलर था वो था बेज एंड मशरूम, और हमने इसे चेंज करके सोचा कि नहीं, इस पर कुछ डार्क इंटीरियर थीम हमें लेनी चाहिए, सो ब्लैक कलर के साथ हमने कंबाइन किया टैन कलर को, और इसका इंटीरियर एक्चुअली एंड में बहुत सुंदर आया है। साथ ही साथ जो हमने वुडन फिनिश भी इसमें एंड में दिया वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो गाड़ी का जब हम इंटीरियर बनाते हैं तो सबसे पहले बात आती है फर्मा की, तो सबसे पहले तैयार किया जाता है गाड़ी का फर्मा। अगर हम सीट कवर्स की बात करें तो पर्टिकुलर एक शेप होता है हर सीट का, हर सीट डिफरेंट होती है, तो इस केस में टाटा मांजा का जो पूरा फर्मा है वो हमने रेडी करके रखा था, और हर गाड़ी के लिए अलग फर्मा बनाना पड़ता है। ये जो आप कार्डबोर्ड कटआउट पीसेस वीडियो में देख रहे हो इसी को हम फर्मा बोलते हैं।
बाकी जब बात करें हम सेंट्रल डैशबोर्ड पैनल्स के लेदर की और दरवाजे की, तो वो तो जैसी सिचुएशन आती है उस हिसाब से बनाया जाता है। इस गाड़ी पर जो हमने यूज़ किया है वो है सारा आर्टिफिशियल लेदर। जेन्युइन लेदर अच्छा लगता है, प्रीमियम भी लगता है, बट मैं पर्सनली उसे ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ। आर्टिफिशियल लेदर में भी आपको वही फील मिलता है। अगर आर्टिफिशियल लेदर अच्छी क्वालिटी का है तो यू गेट द सिमिलर काइंड ऑफ लाइफ दैट यू गेट आउट ऑफ जेन्युइन लेदर। जब हमने डैशबोर्ड और दरवाजे के लेदर का काम किया तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो जहाँ जहाँ पर टर्न्स हैं और क्रीसेस हैं वहाँ पर हम लोग स्टिचिंग करके दो अलग पीसेस वहाँ पर लगा दें, और उससे क्या होता है कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते। दूसरा तरीका है, अगर कारीगर काफ़ी अच्छा है तो वो इस तरीके से उसे स्ट्रेच करेगा कि ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स क्रिएट ना हो और वहाँ पर हम एक सीमलेस फिनिश पूरा दे पाएँ शुरू से लेकर एंड तक। तो डैशबोर्ड पर हमने जितना भी लेदर लगाया है वहाँ पर हमने कम्प्लीटली सीमलेस सिंगल पीस में लगाया है, और सिमिलर तरीका हमने दरवाजों के लेदर एरिया में भी किया है। तो जब भी किसी इंटीरियर पैनल पर लेदर पेस्ट किया जाता है तो तरीका बहुत सिंपल है, एरल्डाइट या फेविकॉल से ही उसको पेस्टिंग किया जाता है। बट गम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वो बाद में निकलने का प्रॉब्लम कॉज ना करे। और देखिए, अगर आप अपनी तरफ से 100% भी कोशिश करें तो भी कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बट हमारी कोशिश यही रहती है कि कस्टमर को ये सब इशूज़ लॉन्ग टर्म में नहीं आए। गाड़ी का जो हेडलाइनर है वो हमने डिज़ाइन किया है लग्जरी गाड़ियों में जैसे BMWs एंड ऑडीज में होता है उस तरीके से। हमने इसमें सॉफ्ट फोम वाला कपड़ा यूज़ किया है और चिपकाने का तरीका वैसा ही है, एरल्डाइट या फेविकॉल जैसा एडहेसिव आप उस पर लगाते हैं और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से बिना किसी सिलवट के बिना किसी क्रीज के चिपकाया जाता है ताकि एक बहुत ही ईवन फिनिश क्रिएट हो सके। ये सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमने गाड़ी का इंटीरियर पेंटिंग शुरू किया। डैशबोर्ड का जो टॉप सेक्शन था वो हमने ब्लैक में लिया और सेंट्रल जो पूरा पोर्शन था वो हमने लेदर टैन कलर में किया,
और बॉटम का सारा सेक्शन भी हमने ब्लैक कलर में किया है। इंटीरियर पे जब हम पेंट करते हैं तो एक चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम गाड़ी पर कलर तो चढ़ा देते हैं इंटीरियर प्लास्टिक पैनल्स पे और वो कलर इतना इजीली निकलता भी नहीं है, आप अगर उस पर नाखून भी मारेंगे तो वो कलर नहीं निकलेगा। बट जब प्लास्टिक पैनल्स इंटीरियर के तैयार किए जाते हैं ना तो वो थ्रू एंड थ्रू एक ही कलर में होते हैं। मान लीजिए अगर आपका इंटीरियर पैनल बेज कलर का है तो आगे से लेके पीछे तक वो कम्प्लीटली बेज कलर का है, तो वहाँ पर अगर कहीं पर भी एक छोटा स्क्रैच आता है तो वो स्क्रैच आने के बाद भी आपको वही कलर दिखेगा। बट जब आप इंटीरियर पेंट कर रहे हैं तो कहीं पर भी अगर डीप स्क्रैच आता है, मान लीजिए कहीं कुछ हैवी चाबी का निशान आ गया, तो ऑब्वियसली जो ब्लैक कलर हम यहाँ पर कर रहे हैं वो पेनिट्रेट हो जाएगा और नीचे का ओरिजिनल कलर दिखने लगेगा। इंटीरियर कस्टमाइजेशन उन लोगों के लिए है जो इंटीरियर अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका यूजेज बहुत ज़्यादा रफ है या अगर आप अपनी गाड़ी को एज अ कैब यूज़ करते हैं तो आपको इंटीरियर का कलर चेंज नहीं कराना चाहिए। अगर आपका यूजेज माइल्ड है और अपने इंटीरियर का आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप इंटीरियर का कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी गाड़ी में अगर ओरिजिनल कलर इंटीरियर का उन्हें नहीं पसंद है तो अपने शौक के हिसाब से इंटीरियर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो गाड़ी अब ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। आप गाड़ी के फाइनल शॉट्स देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको गाड़ी का फाइनल लुक कैसे लगा। हमने इस वीडियो में गाड़ी का टोटल कॉस्ट भी मेंशन किया है। हाँ, कई लोग ये भी बोलेंगे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअली हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हमारे पास ऑल्टो लाओ, टाटा मांजा लाओ या BMW लाओ, इट्स अ लेबरस टास्क एंड जितना टाइम हमें उस गाड़ी को बनाने में जाएगा या जिस तरीके का काम हमें उस गाड़ी पर करना पड़ेगा उसी हिसाब से कॉस्ट होता है। देखिए, मैं आपको चीपेस्ट प्राइस गारंटी नहीं कर सकता, अच्छी सर्विस का कॉस्ट हमेशा महंगा जाता ही है, बट हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि हम अपनी तरफ से आपको अच्छे से अच्छा काम दे सके। अगर आप पैसा खर्चने को रेडी हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स ला के दिखाएं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में भी बताया कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब कस्टमर ने बोला कोई बात नहीं, अगर गाड़ी कंप्लीट नहीं हो रही तो आप उसको रहने दो, बट मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था उनको इस तरीके से गाड़ी देने का। मैं चाहता था कि सारे फॉल्ट्स हम गाड़ी पर क्लियर करके उनको गाड़ी दे, और अगर वो हमारे पास से गाड़ी लेके जा रहे हैं ना तो उनको पूरी खुशी मिलनी चाहिए। गाड़ी जिस तरीके से बनी है वो अपने घर वालों को भी जब दिखाए तो सबका एक्सप्रेशन जो है ना वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होना चाहिए। मैं इस ढंग से सोचता हूँ, और अगर आप भी इस ढंग से सोचते हैं तो आप हमारा वर्कशॉप विजिट कर सकते हैं वडगांव शेरी पुणे में। मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा। गाड़ी के फाइनल शॉट्स पूरे देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलेगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू ब्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमारी वर्कशॉप में ना बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, पीछे म्याओं म्याओं कर रहे हैं खड़े हुए, तो मैं सोचा ना ऐसे इंटरव्यू देंगे ना तो यहाँ पर बिल्ली का बच्चा हाथ में रखना चाहिए और ऐसे मोगैम्बो खुश हुआ टाइप ऐसा कुछ। म्याओ, कहाँ गई? अरे बाहर आ जा। एक और ये जो ये वो रहा, वो रही। ओ चुटंकी, ओ चुटंकी, ये गिरे वाली उसको वो ट्रेन हो गई थी दो दिन में, को खुशबू आ रही है। आजा ये देख कैसी आई फटाफट। नहीं नहीं तू ऊपर चढ़ी, मैं मारूंगा तेरे को आज, कपड़े गंदे मत कर तू आज, काटेगी क्या? वैसे लाइफ कितनी अजीब है ना, है ना? लाइक वर्कशॉप में कभी सोचा था बिल्ली और उसके बच्चे होंगे? और कुत्ते भी हैं, हर वर्कशॉप में कुत्ते तो होते ही हैं। देख गाय भी पाल लेते हैं, देख गाय घोड़े सब पाल लेते हैं, मुर्गी फार्म हाउस बना लेते हैं, है ना? अपना ब्रोटोमोटिव पोल्ट्री फार्म। ठीक है चलो शुरू करें।